प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के ऊपर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी राजेश पायलट की बीमारी के बाद मौत हो गई। इसकी पुष्टि बुलंदशहर जिला कारागार के जेल के अधिकारियों ने स्वयं की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के थाना टिमरनी जिला हरदा के रहने वाले 47 वर्षीय राजेश को प्रशासनिक आधार पर फरवरी माह में इलाहाबाद से बुलंदशहर जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। पिछले कई दिनों से इनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि 2 सितंबर को ब्रेन हैमरेज होने की वजह से राजेश को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इसका उपचार चल रहा था। 47 वर्षीय राजेश पर कुल 6 मामले बताए जा रहे हैं, जिनमें इलाहाबाद में 2 मामले धारा 307 जबकि 1 मामला धारा 302 के तहत और 1 मुकदमा गैंगस्टर की धारा में दर्ज था, जबकि 307 का 1 मामला सोनभद्र जिले का भी आरोपी पर चल रहा था। तब आपकी जेल में राजेश पायलट नाम का एक आरोपी आया था, बताया जा रहा उसकी मौत हो गई, तो कब आया था आपके पास और क्या उसको हुआ था? ये बंदी प्रशासनिक आधार पर केंद्रीय कारागार नैनी से 17/2/2018 को हमारी कारागार में दाखिल हुआ था और 2/9/2018 2 सितंबर को सुबह 9 बजे चाय और नाश्ता करने के बाद इसको सर में थोड़ा सा दर्द हुआ और चक्कर आ गया। तत्काल जो मौके पर मौजूद बंदी और बैरक का सिपाही लेकर के जेल अस्पताल में गए, वहाँ डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने उसका उपचार किया, तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा, वहाँ से उन्होंने मेडिकल कॉलेज मेरठ रिफ़र कर दिया, मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती हो गया, वहाँ सीटी स्कैन एमआरआई कराने के बाद उन्होंने अपना उपचार शुरू किया और रात्र में 9 बजे मेडिकल कॉलेज मेरठ से उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रिफ़र कर दिया गया। हमको सूचना मिली, मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज मेरठ से ही एक एम्बुलेंस व्यवस्था करा के सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली रात में ही 10:30 बजे करीब भर्ती करा दिया। तब से उसका उपचार वहीं चल रहा था। सफदरजंग हॉस्पिटल के सूचना मिली थी कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। सर, किस तरह के आरोप में वो यहाँ आया था जेल में जो शिफ्ट किया गया था इलाहाबाद से? उस पर 4 केस इलाहाबाद के और 1 केस उस पर सोनभद्र जनपद का विचाराधीन है, उस पर जिसमें 2 केस 302 के, 2 307 के। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।